वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेरिडोफाइट्स हम कंप्लीट करेंगे। बहुत बेसिक सा चैप्टर है और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, सिंपल सा चैप्टर है। तो चलो पढ़ाई करेंगे, और हमने जो भी अभी तक किया है उसकी एक स्पेशल क्लास भी मैं तुम लोगों की बहुत जल्द प्लान करने वाला, राइट? मेरा नाम अनुराग तिवारी है, आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, नीट रैंकर्स चैनल पर, और साथ साथ में प्लस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, अन अकेडमी आप लोगों के लिए हर वीक एक नया बैच लेकर आ रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से होती रहे। जैसे कि एक नया बैच है वॉरियर बैच, तो ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव डाउट सेशंस हैं, लाइव मेंटरिंग सेशंस हैं, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि जितने भी सारे फीचर्स हैं प्लस के, वो सब कुछ आपको मिल रहे होते हैं। दीज आर द बेस्ट थिंग। एंड द सेकेंड अच्छी बात ये कि आप ये लाइव मेंटरिंग सेशन को डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, अपना सेशन टाइप पिक कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो है अपना सब्जेक्ट चूज करते हुए टाइम स्लॉट चेक करें कि कितने बजे आपको कितनी देर का टाइम लेना है। 10 मिनट में डाउट हो जाएगा या 20 मिनट में हो जाएगा, एक लमसम आइडिया देकर और अपने नोट्स वगैरह डालकर वहाँ से अपना कन्फर्म सेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फायदे आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो आइकॉनिक का है, दैट इज 65,000, बट ये पूरा पे नहीं करना आपको, आपको करना है मेरा कोड यूज, और इस कोड के थ्रू आपको 10% डायरेक्टली ऑफ मिल रहा, डायरेक्टली 10% ऑफ मिल रहा होगा। तो 87 विल बी द कोड, है ना, 65,000, ये लगभग 58 हो जाता है, 6,500 कम हो जाएंगे, और ये 2 ईयर का जो कोर्स है ये 90,000 का हो जाएगा जैसे ही आप कोड यूज करेंगे, है ना। तो 90,000 का जो कोर्स है ये 2 साल तक आप अनअकैडमी के लाइव डाउट सेशन, मेंटरिंग सेशन, और जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के, उन सबको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 9th-10th के लिए एक बेहतरीन ऑफर आया हुआ है, और इसमें आपको प्रॉपर तरीके से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो बच्चे 9th-10th में पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 64,000। साथ में जो 9th-10th में फाउंडेशन में लेना चाहते हैं एडमिशन, उनको भी ये ऑफर आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, 57,000 में ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में, और बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे, है ना, आसानी से हम इसको कर लेंगे। ध्यान से समझना, बस समझना है ध्यान से बच्चों। जो टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, हॉर्स टेल। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि घोड़े की पूंछ की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे 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 ऐसे, हॉर्स टेल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज। दे आर फाउंड इन कूल एरियाज, डैम्प एरियाज, शेडी एरियाज, जहां पर थोड़ा सा पानी हो, है ना, बातें समझ पा रहे हो? तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझना होगा, है ना। दूसरी चीज, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू, पहली बार ऐसा हुआ कि जाइलम फ्लोएम, अच्छा इसका मतलब कंफर्म है ना, कंफर्म है कि आपको जब ये चीजें मिल रही होंगी, है ना, आपको जब ये चीजें मिल रही होंगी, तो जाइलम फ्लोएम जब की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा आपको प्रॉपर तरीके से चीजें मिल रही होंगी ना, कि जाइलम फ्लोएम है, वाटर जा रहा है, ये सारी चीजें जा रही हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, राइट। ए इन ब्रायोफाइट्स जो डोमिनेटिंग फेज है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन, वो क्या है? गैमेटोफिटिक जनरेशन, बातों को समझेंगे। ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेटिंग फेज है ना, वो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, ये आपको क्लियर फॉर्म में याद रखनी होगी। जैसे एग्जांपल में सेलाजिनेला वगैरह मैंने डाला है ना। और टेरिडोफाइट्स में क्या है? स्पोरोफिटिक। तो पहली बार ऐसा हुआ कि डिप्लॉइड फॉर्म, है ना, डिप्लॉइड फॉर्म जो है डोमिनेंट है, और इसमें पहली बार डिफरेंशिएशन आपको मिल रहा है रूट का, स्टेम का, लीफ का, मतलब इसमें प्रॉपर थैलोइड बॉडी की जगह प्रॉपर ऑर्गन है, वेल डेवलप्ड, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर लीफ छोटी है, स्मॉल, तो उसको माइक्रोफिल्स बोलते हैं, जैसे कि सिलाजिनेला आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम। उसी तरह से लीफ अगर बड़ी है ना, लीफ अगर बच्चों क्या है, बड़ी है, तो फिर क्या होगा? देन हम इसको क्या बोल रहे हैं? मैक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स 2 टाइप के होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जो सॉइल को बाइंड करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं,
एंड दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, है ना। ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी जो भी प्लांट होते हैं, सजावटी, उनके बारे में हम स्पेशली बात यहाँ कर रहे हैं। तो सजावट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बस एक क्लियर फंडे के फॉर्म में इसको याद रखना है, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। एक नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इनके लीफ के ऊपर, आप मान लो इसकी लीफ है ना, ये ऐसे से और ऐसे से लीफ है, ठीक है। मान लो ये माइक्रोफिल्स वाइज ये इसकी लीफ है, तो इनकी लीफ के ऊपर आपको स्पोर बियरिंग बॉडी मिलते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, ऐसे छोटे से, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया जिस लीफ पर मिले उस लीफ को मिलते हैं स्पोरोफिल, मेरी बात समझ पा रहे। स्पोरेंजिया जिस लीफ पर मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। बिल्कुल क्लियर सी बात आपको यहां पर याद रखनी चाहिए, है ना। तो स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स, ये बेसिक चीजें आपको टिप्स पर पता होनी चाहिए एक बार। साथ साथ में कुछ स्पोरोफिल्स के अंदर कुछ ये जो सारी स्पोरेंजिया हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या हो जाएगा, है ना, वो उनको कलेक्टिवली हम बच्चों क्या बोल रहे होते हैं, स्ट्रोबिलाई। उनको कलेक्टिवली क्या बोल रहे होते हैं, स्ट्रोबिलाई। सिलाजिनेला इक्विसेटम में ऐसी चीजें आपको मिलती हैं ना, सिलाजिनेला और इक्विसेटम में आपको ये सारी चीजें इस तरह से मिल रही होती हैं। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सारे स्पोरोफिल्स आपस में फ्यूज कैसे होते हैं, और उनको आप क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस। ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स इज नोन एज स्ट्रोबिलाई या कोन्स, याद रखेंगे। स्पोरेंजिया जिसके अंदर होता है, देखो स्पोरेंजिया जिसके अंदर होता है उस लीफ को स्पोरोफिल्स, और इस लीफ के ग्रुप को हम बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्पोरेंजिया हमेशा स्पोर प्रोड्यूस करता है। स्पोर कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, स्पोर मदर सेल से बनते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स, एक बात। अच्छा, जब ये डेवलप होता है, जर्मिनेट करता है स्पोर, है ना, स्पोर जर्मिनेट, तब ये जो पहली बार गैमेटोफाइट बनाता है उसका नाम होता है प्रोथैलस। उसका नाम क्या होता है बच्चों, प्रोथैलस। बहुत सिंपल, बहुत आसान, सिस्टमैटिक चीजों को याद रखें। क्या वर्ड यूज किया, फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको आपको याद रखना चाहिए, एक बात भी क्लियर हो गई। प्रोथैलस हमेशा डेवलप होने के लिए दे नीड कूल डैम शेडी प्लेसेस, ठीक है ना, कूल डैम शेडी प्लेसेस एक, और क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट है ना। क्यों, इस बात को समझना, क्यों ये कुछ ही जगहों पर मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाई टेरिडोफाइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सर्टेन प्लेसेस, कुछ ही जगहों पर मिलता है। तो इसका बेसिक मेन रीजन ये है कि दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि दे, है ना, स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, दैट्स इट। अब इसमें भी आपको समझना होगा, मेल पार्ट एंथ्रीडिया, फीमेल पार्ट आर्चिगोनिया, बेसिक। और वाटर के थ्रू ये एंथ्रोजॉइड, इसका जो मेल गैमीट है वो ट्रांसफर होता है और वो आर्चिगोनिया के माउथ में जाता है ना। जैसे ही वहां फ्यूज होगा दे विल फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट आप ये समझ लो कि मल्टी सेलुलर फॉर्म में फर्दर स्पोरोफाइट्स बना देता है। बस यही लाइफ साइकिल है इसकी। अब इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, अगर बच्चों दोनों स्पोर्स सेम सेम, उनको बोलेंगे होमोस्पोरस प्लांट, है ना। और अगर दो अलग अलग तरह के स्पोर्स हो तो उनको बोलेंगे मैक्रो और माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलेंगे, मैक्रो और माइक्रोस्पोर, तो उसको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस प्लांट। जैसे सेल्विनिया है, ये वाला दिख रहा है, या सिलाजनेला है, इसमें हमेशा हमेशा आपको क्या मिलेगा, इस बात को क्लियर फॉर्म में याद रखना होगा, क्या, हेट्रोस्पोरस। दे आर व्हाट, हेट्रोस्पोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, ये जर्मिनेट करेंगे और फिर फाइनली अगेन गैमेटोफाइट्स, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड होते हैं तो ये फर्दर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स के फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट वो स्पोरोफाइट के ऊपर पड़ा रहेगा प्रॉपर,
अच्छा, और मेल गैमेटोफाइट से जो जर्म सेल आएगा वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाएगा, है ना? ठीक है, गैमेट्स बनाते हैं ना, तो फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो, एंड दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ व्हाट? सीड हैबिट। अब सीड हैबिट को आपको अच्छे से समझना होगा। सीड हैबिट मतलब मेल जर्म सेल अंदर गया और फीमेल वो डेवलप कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं? मेल जर्म सेल अंदर गया और वो प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रहा है ना? तो वो जो अंदर जाने वाला प्रोसेस, जैसे आज की डेट में जो सीड बनता है वो कैसे बनता है? पॉलन ग्रेन अंदर जाता है ओवरी के अंदर और वो डेवलप कर रहा है, यही तो करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं आपको जो प्रॉपर याद रखनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बस यही सिस्टम है, इसमें बस ये चार क्लासेस हैं, आपको बस ये नाम याद रख लेना है। साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, इसके दो एग्जाम्पल हैं, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, बस खत्म है, इतना ही है। साथ साथ में स्फिनोप्सीडा, इक्विसेटम, टेरोप्सीडा है ना, एडियांटम और टेरिस, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है, इतना ही है। इसमें एक शब्द भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा, इस संडे को अन अकेडमी का जो फ्री टेस्ट सीरीज होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है बच्चों? वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप सारे बच्चे अब इसको मोबाइल के साथ तो दे ही सकते हैं, साथ साथ में वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। हर बच्चा जो टेस्ट देगा उसको मिनिमम 15% स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। एक साथ साथ में टॉप रैंकर को अन अकेडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो ये कब होने वाला टेस्ट? 17 अक्टूबर, आज 15 हो गई है, परसों, आज 16 हो गई है ना, तो आज नहीं कल ये टेस्ट है, सुबह 11 बजे। आप सारे बच्चों को जरूर आना है, 60 मिनट का, 28 क्वेश्चंस, ठीक है? तो मेहनत करो, हार्डवर्क करो, पढ़ाई करो, और सिलेबस आपको यहाँ सामने दे रखा है, क्लास 11th, क्लास 12th, और दोनों का मिक्सचर है, क्लास 13th, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है। तो पढ़ो, और एटी सर कोड यूज़ कर लेना। कौन सा कोड? अगर तुमसे रेफरल कोड मांगे तो यू हैव टू टेक यूज एटी सर, है ना? ये कोड यूज करके अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो। बातें क्लियर हैं? तो बस हार्डवर्क करो, मेहनत करो। और हाँ, 23 अक्टूबर को कुछ टॉप स्टूडेंट्स है ना, जैसे कि अभी जो है अभ्युदय प्रताप सिंह है, रिदम अग्रवाल है, ये लोग क्या करने वाले हैं? ये ऑल इंडिया रैंक 17 थी इनकी, ठीक है, 19 और 20 में। ये लोग आप लोगों को प्रॉपर जो है अपने ट्रिक्स बताने वाले हैं कि किस तरह से पढ़ना है। मैं रोज शाम को 8:30 पर आप लोगों को यूट्यूब पर नीट रैंकर चैनल पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और टर्म 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप सारे बच्चे मुझसे एक बार जुड़ सकते हैं, एक फायदा ये है ना? और डेली क्लासेस अपनी यही होंगी, ठीक है, डेली क्लासेस यही हुआ करेंगे, ऐसे 7:30 मॉर्निंग में और 8:30 इवनिंग में, और उसकी स्पेशल क्लास भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन जिस भी बच्चे को लेना है, इस बात को बिल्कुल क्लियर फॉर्म में समझना है। प्लस सब्सक्रिप्शन जिस भी बच्चे को लेना है उसको कोड यूज करना है एटी सर, और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चलती जाएगी, है ना? आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल ही रहा है, साथ में अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उनके साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, तीनों ही आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू ऑल, मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, जहाँ मेरी जरूरत है मुझे बताते रहो, ठीक है बच्चों? चलो फिर, है ना, मिलते हैं शाम को।